you will be fine. Today I am deliver a Urdu lecture, page number 30. Khulid-e Fars. Khulid-e Fars के बारे में पहले भी जान चुकी हैं कि क्या है, आपको दोबारा एक दफा रिवाइज करवा दूं। Khulid-e Fars ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके बगैर हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पे हम कुछ नए Khulid-e Fars के बारे में जानेंगे, जैसे कि मेरा, मेरी, मेरे, मुझे और हमें। ये कुछ नए Khulid-e Fars हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने जुमले को मुकम्मल करेंगे। पहला जुमला है, मेरे तोते को दाने डालो। इसमें Khulid-e Fars मेरे और को Khulid-e Fars का पहले भी अपने लेक्चर्स में जान चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो नया Khulid-e Fars है वो है मेरे, मेरे तोते को दाने डालो। दूसरा हमारा जुमला है, हमें मोजे ला दो। इसमें हम एक नया Khulid-e Fars देखेंगे जो कि है हमें। इसके बगैर जुमला हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता। इस हमें को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जुमले को मुकम्मल करेंगे, हमें मोजे ला दो। तीसरा हमारा जुमला है, मुझे आटे की बोरी ला दो। इसमें है मुझे और ही का Khulid-e Fars आप अपने पहले लेक्चर में भी जान चुके हैं। यहाँ पे जो नया हमारा Khulid-e Fars है वो है मुझे, जिसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता, मुझे आटे की बोरी ला दो। हमारा चौथा और आखिरी जुमला, मेरी रोटी ताजी है। इसमें Khulid-e Fars है मेरी और है तो Khulid-e Fars आप पहले भी अपने लेक्चर्स में जान चुके हैं। यहाँ पे जो नया हमें Khulid-e Fars मिला है वो है मेरी, जिसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होगा, मेरी रोटी ताजी है। थैंक यू।